नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। अभी मैं मौजूद हूं सासाराम के सदर अस्पताल में और मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये भीड़ काफ़ी भीड़ है और यहां पे ग्रामीण इलाके से लोग उपचार के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देख सकते हैं कि मेरे बगल में दो काउंटर है जहाँ पे दवा वितरण होता है। एक पुरुष के लिए काउंटर बनाया गया है और एक महिला के लिए काउंटर बनाया गया है। मगर यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पे घंटों तक जाम लगा रहता है, क्योंकि साफ तौर पे यहाँ के महिलाओं का और पुरुषों का कहना है कि काउंटर और बढ़ा दिया जाता तो लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ रहा था वो कठिनाइयों से नहीं गुजरना पड़ता। मैं वो दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर लोग सुबह से लोग पहुँचे हुए हैं और काफ़ी यहाँ पर भीड़ है। और मैं बता दूं कि जहां पे पर्ची कटती है वहां पर भी लगभग सैकड़ों की संख्या में जो कतार बंधे, जो पुरुष की लाइन है, महिला की लाइन है, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है और वहां पर भी केवल दो काउंटर है। साफ तौर पे कहना है कि वहाँ पर भी अगर पुरुष की अलग एक दो काउंटर और बढ़ा दिया जाता और महिला का भी एक दो काउंटर और बढ़ा दिया जाता तो भीड़ जो है काफ़ी कम हो जाता। मगर देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ कि लोगों की दिक्कत क्या है। आप देख सकते हैं कि मैं अभी सासाराम के सदर अस्पताल में हूं और ये मुख्य दरवाज़ा है जहां से प्रवेश द्वार लोग होते हैं, लोग एंट्री करते हैं। और मैं बता दूं कि सुबह से लोग तकरीबन 8 बजे से लोग यहां पर सासाराम सदर अस्पताल में ओपीडी में पहुंचे हुए हैं और उपचार के लिए पहुंचे हुए हैं। वो मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं महिलाओं के लिए एक काउंटर है और पुरुषों के लिए एक काउंटर है जहाँ पर लोग पर्ची कटाने लोग पहुँच रही हैं। और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि अगर काउंटर को अगर बढ़ा दिया जाता तो लोगों की परेशानी जो है कम होता। वो मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं कि केवल महिला के लिए एक काउंटर है और पुरुष के लिए जो पर्ची काउंटर है एक ही काउंटर है। लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना है कि अगर ये काउंटर जो पर्ची काउंटर है जहाँ पे लोग पर्ची कटाने आ रहे हैं यहाँ पे 2-3 काउंटर को और बढ़ा दिया जाता तो ये भीड़ कम होता। देख सकते हैं कि ये भीड़ काफ़ी है और लगभग अभी तक 1 बज चुका है। मैं वह दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं कि लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सबसे ज़्यादा रुपए स्वास्थ्य विभाग पर बिहार सरकार के द्वारा खर्च किए जाते हैं। और स्थिति देख सकते हैं, लोग सुबह से ही आकर यहाँ पर कतारबद्ध में खड़े हैं और पुरुषों की और महिलाओं की काफ़ी लंबी यहाँ पर लाइन लगी हुई है। कुछ लोग हैं हम जानते हैं लाइन में लगी हैं, कब से लगी हैं? 10 बजे। हाँ 10 बजे। अच्छा, क्या आपको लग रहा है काउंटर नहीं बढ़ा देना चाहिए? दिक्कत हो रहा है ना लाइन में लगने से? दिक्कत हो रहा है तो क्या, क्या दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है, इसमें दूसरा भी लाइन आकर लगा जाता है, जिसको तबीयत खराब है वही तो पड़ा रहता है। टाइमिंग क्या रहता है, 2 बजे तक देखते हैं डॉक्टर लोग ना? 1:30 बजे तक देखते हैं, 1:30 बजे तक देखते हैं, 1:30 बजे तक। अब अभी 1 बज रहा है, आप लाइन में लगी हुई हैं, अगर ऐसे में आपकी पर्ची नहीं लगती तो फिर वापस जाना पड़ेगा? वापस जाना पड़ता है, कल दवा लेना पड़ेगा। फिर दवा लेने के कल आना पड़ेगा जी, आज नहीं मिल सकेगा। लाइन में लगी है? हाँ हाँ सर, लगे हैं सुबह। अच्छा, सुबह से लाइन में लगी हैं। कितने बजे से आप यहाँ पर आई हैं? 8 बजे से। 8 बजे से आई हैं और यहाँ हॉस्पिटल कितने बजे तक खुला रहता है? 4 बजे तक। अगर मान लीजिए कि अगर डॉक्टर से नहीं दिखा पाती हैं, पर्ची आपका टाइम से नहीं कट पाता है तो आप ऐसे ही घर चले जाइएगा? हाँ चल जाएंगे घर। हाँ क्या चीज़, इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए ना। ऐसे ही होता है, मतलब पर्ची नहीं कटता है ना तो हम लोग वापस चल जाते हैं घर। अच्छा, काउंटर पर और काउंटर बढ़ा देना चाहिए कि नहीं बढ़ा देना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। हाँ बढ़ाना चाहिए, कि लाइन में मिलेगा पर्ची नहीं मिलेगा तो घर ही ना जाएगा, लेट होगा तो मतलब सारा जो मेहनत है लगभग डाल हो जाएगा। हाँ आने पैसा डाल हो जाएगा, गाड़ी भाड़ा। कहाँ से आई हैं आप? हम कुमाऊँ से आए हैं। अच्छा, कुमाऊँ से आई हैं, आप कहाँ से हैं? मोरसराय से आई हैं। मोरसराय से हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि एक दो काउंटर और महिलाओं के लिए बढ़ा देना चाहिए? हाँ यस, हाँ बढ़ाना चाहिए, ऐसे इतना भीड़ है ना। अब तो बच्ची को हम लेकर आए हैं, अब हम यहाँ पर सुबह से लगी है। हाँ क्या कहिएगा, सुबह से लाइन में लगी। कितने बजे तक हॉस्पिटल बंद हो जाता है? 1 बजे। तो 1 बज गया, अभी तो 1 बज रहा है। अब भी नहीं बज रहा है, अभी 12 बज रहा है। 12 थोड़े नहीं बज रहा है, 1 बज रहा है। अच्छा 12:30 हो रहा था। अच्छा, आपको पर्ची लेते लेते 1 बज जाएगा। अगर मान लीजिए अगर हॉस्पिटल 3 बजे बंद हो जाएगा, डॉक्टर नहीं देख पाएंगे तो आपको फिर वापस घर चला जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, 3 बजे जाना पड़ेगा। 3 बजे? 3 बजे। हाँ क्या लगता है, डॉक्टर देख लेंगे? हाँ क्या क्या बोल रही हैं आप? हम बोले सुबह से नंबर हम लगाए हैं, कमज़ोर आदमी तो बेहोश हो जाएगा ये नंबर ये भीड़ में। और सरकार को चाहे तो एक एक आदमी को बुलावे, टिकट कटावे, ऐसे नंबर कोई के पैर में जोर नहीं है तो कैसे का करेगा।
सरकार को चाहते हैं कि एक आदमी को बुलावे, पूर्ची कटाए, अपना जाए डॉक्टर को दिखावे। हम जैसे कि अभी आपने सुना, जो सदर अस्पताल में उपचार के लिए महिला और पुरुष पहुंचे हुए हैं, साफ तौर पे उन लोगों का आरोप है कि हम लोग सुबह तकरीबन 7 बजे और 8 बजे ही अस्पताल में आ जाते हैं, मगर भीड़ होने के वजह से हम लोगों को टाइम पे जो पर्ची है नहीं कट पाती है, इसीलिए हम लोग डॉक्टर से नहीं मिल पाते हैं और दवा नहीं ले पाते हैं, इसीलिए हम लोगों को यहाँ से बेरंग होकर लौटना पड़ता है। साफ तौर पर सुन सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की जो पुरुष हैं, यहाँ की जो महिला हैं जो उपचार के लिए यहाँ पर पहुँचती हैं, उन लोगों का आरोप है कि अगर काउंटर और बढ़ा दिया जाता, जो पर्ची वाला काउंटर है खास तौर पे और बढ़ा दिया जाता, तो दिक्कत जो है हम लोगों का कम हो जाता। वहीं जो पुरुषों का लाइन आप देख सकते हैं कि पुरुषों की लाइन लगभग, पुरुषों की अभी भी तकरीबन 1 बज रहा है और मैं बता दूं कि टाइमिंग 3 से 4 बजे तक और डॉक्टर रहेंगे। वहीं पुरुष की लाइन जो है लगभग अभी भी सैकड़ों से ज़्यादा लोग लाइन में लगे हुए हैं और जो महिला हैं वो भी सैकड़ों से अधिक अभी भी लाइन में पर्ची के लिए लगी हुई है, फिर भी उनका जो पर्ची काउंटर तक अभी तक वो नहीं पहुंच पाई हैं। साफ तौर पे महिलाओं और पुरुषों का आरोप है कि पर्ची काउंटर पर और भी 1-2 काउंटर और बढ़ा दिया जाता तो हम लोगों को हेल्प मिलता। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।